शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा व्याकरण साधारण अशुद्धि। तबे आम ओडिया आमर मातृभाषा होते भी आम दैनंदिन जीवन रे ओडिया भाषा रो व्यवहार करूले भी एमती अनेक शब्द रही जो मान को आम आम अजाणत भूल करी लिखि था भूल करी कही था हेला अर्थात से आम भूल भूल लिखि था से मानकर बनान भूल लिखि था बेले बेले आम एमती वाक्य लिखु जो थे व्याकरणगत त्रुटि थाए हेला तबे ए जो भूल लेखिबाटा बा भूल बनान लेखिबा बा व्याकरणगत भूल लेखिबा को कहंती साधारण अशुद्धि हेला तबे ए जो त्रुटि आमे करिथाउ से साधारण भावरे आमे अजाणतरे करिथाउ ओडिया आमर मातृभाषा हेथिले हे अनेक शब्द आमे भूल लेखिथाउ बनान भूल लिखि था अनेक वाक्य आमको लगे आमे ठीक लेखिचु किंतु प्रकृत रे ताहा भूल थाए तबे एमती अनेक वाक्य रही अनेक शब्द रही जहाँ को आम भूल लिखि था आम अजाणत कहते साधारण अशुद्धि है कौन कहते साधारण अशुद्धि है कारण आम भाषा रे अनेक संस्कृत शब्द रही तुम जाने एवं भाषा तो दिनक सृष्टि है ना भाषा सृष्टि होगापी शह शह वर्ष लगी हजार हजार वर्ष लगी तबे ए भाषा रो ए जो क्रम विवर्तन भितरे कौन है आम भाषा उपर अनेक भाषा मानकर प्रभाव मध्यम पड़ी है संस्कृत भाषा रु आम भाषार सृष्टि तुम्हें जानिच संस्कृत भाषा रु आम भाषार सृष्टि एवं आम भाषा उपर अनेक भाषा मानकर प्रभाव पड़ी संस्कृत भाषार प्रभाव पड़ी एवं अन्य इंग्रज भाषार प्रभाव पड़ी वैदेशिक पर्तुगीज भाषा पारस्य भाषा एम प्रभाव पड़ी कारण एम समस्ते आम देश को आसिक शासन करुले तेणु अनेक भाषा मानकर प्रभाव ओडिया भाषा पड़ी तबे ता भितरे संस्कृत भाषा प्रकृत संस्कृत भाषार ओडिया भाषार सृष्टि एवं जेतेबेले आम साधारण लोक मानकर संस्कृत ज्ञान ना संस्कृत ज्ञान ना तेणु संस्कृत भाषार जेतेबेले ओडिया भाषार सृष्टि सेतेबेले कौन है ना अनेक शब्द भूल हो जाम को लगे आम ठीक करिचु ठीक लिखिचु किंतु प्रकृत से भूल थाए आम अजाणत सेटा कहते साधारण अशुद्धि है अनेक अनेक प्रकार अशुद्धि रही आम कौन कौन सब भूल लिखि था आम अनेक शब्द देख मु तुमको केतटा उदाहरण दौची तुम बही रे संधिगत समासगत लिंगगत नत्व सत्व विधिगत वचनगत एमती सब रही किंतु से तुम सेगुड़ा किसी बुझा दरकार नहीं कारण संधि समास तुम सिलेबस ना तुम एपर्त पढ़ीन क्लास सेभेन से सबू ना तेणु तुम्हें से सबू न देख तुम्हें केवल एति की देख जे साधारण अशुद्धि कोटा आम अशुद्ध लिखुचु ताको आम शुद्ध रूप से लिखा है तेणु ये सब तुम डिटेल्स बुझा दरकार नहीं तुम्हें केवल शुद्ध अशुद्ध शब्द मानक शुद्ध रूप को ही पर तुम्हें ताकू ही ध्यान रख है कौ शब्द गुड़िक कि शब्द गुड़िकर अशुद्ध रूपटी कौन एवं तार शुद्ध रूपटी कौन हेला तुम्हें ताकू ध्यान रे रखिकी तुम बही जो अच्छे तीन चार पेज ताकू सब मन रख देख साधारण अशुद्धि पढ़ेला बेले तुमको मुझे केवल गोटे कथा कहबी जे यार सेमती किसी फर्मूला ना हेला जे एटा थिले भूल एटा थिले ठीक सेमती किसी फर्मूला ना हेला तुमको केवल अभ्यास करके मन रखा पड़ो है कौ शब्दर बनान केमी बनान गुड़ाक उच्चारण निर्भर कै कि जेहेतु ओडिया भाषा आमर मातृभाषा आम पिला उच्चारण करे तेणु जोटा आम पिला भूल भाव उच्चारण करे ठीक हम ना आमको लगे से ठीक है तेणु से दृष्टि देखने आमको तार कि माने नियम सेमती ना तेणु तुमको केवल तार केवल उच्चारण अनुसार ही लिखा जाए उच्चारण अनुसार ही बनान लिखा जाए किंतु उच्चारण अनुसार आमे
ବନାନ ଲେଖିପାରିବା ଟା ଲେଖିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଲାବେଳୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଆସୁଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେ ଆମେ କ'ଣ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧିଟା କରୁଛେ ବା ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ସବୁ କରୁଛେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ କେତୋଟି ସୀମିତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯେତେ ବଡ଼ ହେବା ସେତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିବ, ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଦ୍ଧ, କେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତମ ବହିରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ତମେ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ଯେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଲେଖୁଛେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବୁଝିପାରିଲ, ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟହ, ପ୍ରତ୍ୟହ ଭୁଲ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ପ୍ରତ୍ୟହ, ପ୍ରତ୍ୟହ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟହ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସେଇଟା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କେମିତି ଲେଖୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତମମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଲେଖିଦିଅ, ହଁ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟା ଜ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଲା। ଏଠି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ହେବାରେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତମ ବହିରେ ଯେମିତି ଦେଇଛି ସନ୍ଧିଗତ ସମାସଗତ ସେମିତି ତମେ ବୁଝିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତମେ କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, କାରଣ ତମେ ସନ୍ଧି ସମାସ ପଢ଼ିନ, ତମେ ହାୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ନାଇନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ସନ୍ଧି ସମାସ, ସେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ସାଧାରଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ପଢ଼ିବ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ କହିଲେ ବି ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ତେଣୁ ତମେ କେବଳ ଏତିକି ପଢ଼, ତମେ କେବଳ ଏତିକି ଶବ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁକି ଆଗରୁ ଦିଆହେଉଛି, ହଠାତ୍ କି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ସିଲାବସ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଖାଲି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଯେତିକିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି କେବଳ ସେତିକି ଶବ୍ଦକୁ ତମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସବୁତକ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ କର ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଭ୍ରାତ୍ରାଗଣ, ଭ୍ରାତାଗଣ, ସରି, ଭ୍ରାତାଗଣ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ଭ୍ରାତୃଗଣ ହେଲା, ଭ୍ରାତାଗଣ ନୁହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରାତାଗଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭ୍ରାତାଗଣ ନୁହଁ, ଭ୍ରାତାଗଣ ଭୁଲ, ଯଦି ତମେ ଲେଖୁଛ ଭ୍ରାତାଗଣ ସେଇଟା ଭୁଲ, ସେଇଟା କ'ଣ, ଭ୍ରାତୃଗଣ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଉଛ, ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଲେଖିଲ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ କରିଦେବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷେଇକାର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର, ନୋ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଆମେ ଲେଖିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ହର୍ଷେଇକାର, ସେଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଦୀର୍ଘଇକାର ରଖିବନି ହେଲା, ଦୀର୍ଘଇକାରଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଆମେ କହୁନେ ନିରୋଗୀ, ଭଗବାନ ମୋତେ ନିରୋଗୀ ରଖିଛନ୍ତି, ନିରୋଗୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁନେ ଭୁଲ, ସେଇଟା ଭୁଲ, ଆମେ କହୁନେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ନିରୋଗୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଭୁଲ, ଭଗବାନ ମୋତେ ନିରୋଗ ରଖିଛନ୍ତି, ନିରୋଗ, ନିରୋଗୀ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ନିରୋଗୀ ଭୁଲ, ନିରୋଗଟା ହେଉଛି ଠିକ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଧନୀ ପୁତ୍ର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମିତି ଧନୀ ବି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘଇକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ପୁତ୍ର ଲେଖିବ ଧନୀ ହେଉଛି ହର୍ଷେଇକାର ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ, ଧନୀ କିନ୍ତୁ ନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୀର୍ଘଇକାରଟା ମଝିକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ହର୍ଷେଇକାର, ଯେମିତି ଏଇଠି ଦୀର୍ଘଇକାରଟା ମଝିକୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ହର୍ଷେଇକାର ହେଲା, ହ୍ରସ୍ୱଇକାର, ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ଆମେ ସମୁଦୁଣୀ, ସମୁଦୁଣୀ ଲେଖୁ
समुदुणी प्राय समस्ते हर्षयकार लिखि दिखते ह्रस्वयकार नुह प्रकृत समुदुणी हूँ कौन दीर्घयकार है समुदुणी सेमती आविष्कार है आविष्कार समस्ते दंत्य स लिखि दिखती प्रकृत आविष्कार हूँ कौन मूर्धन्य बुझिपारल सेमती आम बेले बेले कहू अधिकांश लोक मैने एमती कहू ना अधिकांश लोक मैंने आसी अरे अधिकांश लोक मैंने कौन अधिकांश लोक आसी बुझिपार अधिकांश लोक हाँ अधिकांश लोक अधिकांश लोक मैंने हेनी हाँ अधिकांश लोक बुझिपारल बेले बेले आम कहू समस्त भारतीय मैंने उचित हाँ आम कहना समस्त भारतीय समस्त भारतीय माने समस्त भारतीय माने यह करिबा उचित आम बेले बेले कहना एटा भूल एटा होची अशुद्ध ठीक टा कौन हम ना समस्त भारतीय समस्त भारतीय हम है समस्त भारतीय माने भूल जमती आम कहू ना जनता मानकर किसी भूल ना जनता मानकर किसी भूल ना जनता मानकर से नुह भूल से कौन प्रकृत रे जनता यहाँ हूँ ठीक है जनता जनता मानकर भूल जनता मानकर किसी भूल ना सेमती हुए कौन से प्रकृत तार शुद्ध रूप कौन जनता बुझिपारल सेमती आउ आउ गोटे बहुत बड़ भूल आम करू से कौन अंजलि आम कहना पुष्प अंजलि किंतु प्रकृत में अंजलि हूँ कौन हर्षयकार अंजलि हूँ ह्रस्वयकार है आम कहू बेले बेले गारिमा तार गारिमा गारिमाटा हूँ भूल ठीक टा हूँ कौन गरिमा कौन सेटा गरिमा चाकिरी चाकिरीटा आम दीर्घयकार देदे कि प्रकृत में चाकिरीटा हूँ कौन चाकिरीटा हूँ ह्रस्वयकार बुझिपारल तेणु तमें तमें अधिकांश पिला मु देखी लेखती साहार्ज्य है यहाँ संपूर्ण भाव भूल है सेटा हूँ कौन साहार्ज्य बुझिपारल तेणु यही भाव में साधारणतः आम बहुत भूल करेणु एगुड़िक तुम बही जहाँ सब रही तुम्हें ताकु जी उदाहरण रही तुम्हें भल भाव अभ्यास करदि तथापि कौटा न बुझिपार मत निश्चय मेसेज कर तबे यार या जिते बारंबार तुम्हें अभ्यास करते ही तुम्हें या ठीक लिखिपार है तेणु अभ्यास बिना यहाँ तुम लिखिपार नहीं बुझेगा तेणु शुद्ध अशुद्ध अभ्यास पर निर्भर करुच्छे तुम्हें जिते अभ्यास कर सबुबले जिते बड़े जोटा भूल तुम लिखुच ठीक करने को चेस्टा कर से भूलटा हाँ मुझे लिखिदेज तो मैडम तो चेक करना है मैडम तो छुट्टी अच्छे कौ चेक करेंगे है सेमती के भाव ना जोटा भूल लिखिच से जो मोमेंट रे तुम जान लो तुम भूल लिखिच से तुम सुधारिकी ठीक लिख है ठीक लिखले ही से अभ्यासटा तुम रहा अभ्यास द्वारा ही तुम यटा को तुम अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखिपार है तेज मुशा कर बुझीपार बही जिते उदाहरण देगुड़ा भल भाव अभ्यास कर मन रखी तथापि कौटी न बुझीपार मत निश्चय मेसेज कर धन्यवाद।